ओ दुनिया रे जागे ना कुछ ना लेके जाना है उठे सब कुछ छाड़ के जाना है समझ रहे ना क्या नेपाली बड़ा बदमाश है खुकरी उकरी लेके काट देने फिर अच्छा जी तू सी मजाक समझ रहे हो हूं मैं गुडारी भी जाना है ओ मैं क्या थे बोलता थोड़ा रहना मैं भी जाना है वो गल समझो तुसी मैं चंगी तरफ समझाया वो जरे है ना बंदे उन्होंने समझा दो ओ मोदी जी सत श्रीकाल जी ओ मैं क्या जी मैं फिर भी आ गया जी ओ तुसी कहंदे हुणे कुड़ी है वे कौन पागल आ गया ओ सानू जानदे तुसी ओ थानू पहले भी आख्या सी यार ओ नेपाल तो पंगा ना लियो तुसी फिर पंगा लैन लग गए यार आ गल माड़ी यार तुसी समझाया करो माड़ी मती गल नू जदों भी तुसी यार लगे रहिंदे हो ए ओ फलाना ए कटूंगा ओ कर दूंगा आ गल माड़ी है जी वो नेपाल दे पंगा ले कोई फायदा है नहीं जी और उठे उन्होंने उधर मित्रा बहुत है गए वो सारे देश उन्होंने सफर कर लेंगे जी है जी तुसी आए करना करो क्या फायदा फिर और नेपाल दे इन्नी कमी है नहीं जी वो हरेक वास्ते वो भला करते है जी और तुम एवें यार लगे रहे हो नेपाल ये हो ये हो एवें ए ना कहो जी कोई फायदा नहीं है जी तुम यार सियाने बयाने नाले पढ़ रहे बंदे मर जी तुम घर समझा करो वो मैंने फिर आने मजबूर किया तुम थानू आख्या समझौता करके नेपाल फिटा दे दो कानू पंगा लैंड यार कमाल हो गया जी वो पहचान नहीं सकता उन्हें यार अस यार असि रोंदे रपल डर गए यार असि सही गल कहते समझते नहीं हो वो बासते पछता के फिर क्या फायदा है जी वो कोई फायदा नहीं जी तुम बहुत पंगा ले रहे हो बड़ी गलती कर रहे हो गलती बहुत वो मैंने उन्होंने फिर मजबूर किया तुम इन्ना मजबूर किया ना बंदे ने परेशान है वो हद हो गए जी वो तुम एक काम करो उन्होंने सलाह करके उठे काला पानी बहुत उठे वाल उठाने लगा दो वो वाल उठा लेंगे तो गल खत्म हो जानी है वो कानू पंगा लेनी है ओ यार कमाल हो गई यार इदा यार कोई फायदा है नहीं यार कमाल हो गया यार भाई यार तुम यार सियाने बाणी बंडे नाले पढ़ रहे बंदे यार अस यार रोंद को डर गए यार तुम एवं पंगा लेंदे हो पंगा ना लाया करो भाई यार कमाल हो गया यार पता नहीं क्या गल हो गया यार एवं यार इधर उधर करी जाते हो वो एक मुंडा कहता सी पता नहीं कितने बोल रहा सी पता नहीं कि डेस्क कहता सी कुड़ी होवे पता नहीं की डेस्क कहता सी वो जनकपुर आख्या कितने आख्या पता नहीं कितने आख्या वो कहना सी नेपाल जाके मैं जरसे उखाड़ लंगा वो कुड़ी होवे वो जरसे उखाड़ूगा वो निका जहा बच्चा कुड़ी होवे वो घर ही दूर पिंड आना सी एवें जरसे उखाड़ूगा किसी ने कुछ कहना है ना सोच समझ के कहना चाहिए उन्होंने माँ प्यो ने अकल नहीं सिखाया उन्होंने वो माड़ी मती रब को डर के रहा करो यार भाई यार एवं क्या फायदा है तुम यार बोल बोल के ओ यहाँ इधर उधर यार कर करके क्या फायदा कोई फायदा है कोई फायदा नहीं मेरी गल सुनो वो जिंदगी दे खुद भी जियो और दूजे ने भी जिंदा दे दो और दूजे तुसी बदे हो गए और नेपाल कुछ भी नहीं वो नेपाल नेपाल तो इंडिया दोनों पर आए गए दोनों पाई फिर पंगा ले जाते तुसी गल मारिए मैंने पता की गल है पहले भी बोलिया सी तुसी समझे नहीं हूँ भी बोलना मैंने मजबूर किया तुसी वो आसी रोंदे नहीं तेरे को डर के वो मैं चंडीगढ़ तो बोल रहा है यार वो चंडीगढ़ तो बोलिया तो कुछ नहीं किसी ने कुछ कहना मैनू मैं गलत किसी को नहीं कहता क्योंकि पता की गल है बंदे नू भलाई करो वो तुसी न तु, बंदे ने देखेंगे कोई गल नहीं रपोल दर क्या रहा करो तुसी गल समझिया करो वो बाइबल का पासिया सुनिए तुसी ये दुनिया ते जिन्ने रस्ते सब तो पता बदा गुरु नानक देव जी कहे सी ना फिर किसी समझते नहीं यार एवं गल इधर उधर करी जाते हो आ गल माड़ी है जी यार मैनू बोल बोल के परेशान हो गया जी वो फोन आ गया लगता जी पता नहीं फोन बज जाता किन्ने फोन किया लगता वो कितना गया वे वे फोन आ गया यार वे तेरा भुला हो गए किन्ने फोन किया हेलो
हो भाइ इत्थै यार मैं इंद्रवड़ी दिन आया सी कुड़ी आई तू फोन करता यार अकल है नहीं यार और तू नहीं तेन पता नहीं है सकदा यार इंद्रवड़ी दिन तू कुड़ी आवे फोन करता है तेन शर्म नहीं आती वो भाई माड़ी मोटी शर्म कराया कर यार हाँ दस क्या गल होगी वो पंगा पै गया वो कादा पंगा कुड़ी आवे दारू ना पिया करो यार सजदा काम कराया करो कभी कभी सजदा काम भी कराया करो भाई यार कभी कभी खुशखबरी सुनाया करो जो भी सुना माड़ी खबर सुना हो ओ भाई माड़ी मैं तेरा कोल दर क्या रहा करो एवं तुम यार क्या नो यार लड़ाई झगड़ा कर लेंगे हो ओ कोई फायदा नहीं दुनिया से कोई फायदा नहीं एक दिन दुनिया सार के जाना है जी आप भी तुम भी जाना है मैं भी जाना है फिर क्या फायदा जी तुम आ काम ना करा करो हूँ कितने दसो अच्छा मोहाली है वो किन्ने फेस थे एक फेस वो तुम एक फेस थे उत्थे कानों गए उत्थे गुंडागिरी बड़ी करते कुड़ी है वे इतने यार बड़े नसरी जी बंदे रहते उत्थे कानों गए तुम यार उत्थे कलोनी तो ना जाया करो उत्थे एक फेस थे जी या तुसी सियाने बयाने नाले पढ़ले ही बंदे तुसी यार झगड़ा करना लग जाते आ गल माड़ी है जी वो छोड़ दो मैं हूँ फोन से बिजी है ये फोन नहीं यार इंद्र डर है मैं सर ही भुल गया यार मेरा दिमाग काम करना सर गया ए कुड़ी अभी तू फोन किया यार मैंने भुल गया यार चल यार बाद से गल करता है उन्हें तेन मरे उन्होंने कह रहे असी रहते निरकपल दर के तो सकदार आ गया ना सारा खत्म कर देना आप ही गल कह दे वो सकदार रहा रब को दर के वह दिमाग घूम गया ना चक्के सड़क तो लम्मा पा देना उन्हें आके वो सानू जानता है कह दी चल मेरा नाम ले ले नहीं मनिया आ गया मैं तलवार लेके चंगा वो कोई गल नहीं यार भाई यार टेंशन ना कराया कर यार लाल उन्हें समझा दे चंगी तरह पहले पैर ना समझा भाई ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर दिया तू दारू दारू पे के बड़ी मत बुलाया कर जिंदा बोलता ना बोलाया कर उन्होंने समझा रे नहीं समझिया तो बात से मेरे फोन करी चंगा कोई गल नहीं यार काके आ जाएंगे यार कुड़ी है वह यार सानू जानता नहीं यार सादा दिमाग घूम गया ना बस बंदे ने चक चक सड़क से लम्मा पा देंगे वो कोई गल नहीं परावा यार चंगा भाई ओके सत श्रीकाल चंगा चंगा वही मैंने यार डिस्टर्ब किया यार कुछ बोलना सी ओ मैं मोटी जी गल करना सी इतने यार कुड़ी है वे फोन आ गया यार उस मोटी जी गल सुनो वो पता की गल है तुसी समझदार नाले पढ़े लिखे बंदे हो ताई भी तुसी फिर पंगा लेना शुरू किया वो गल सुनो तुसी समझदार भी आ जाओ क्या फायदा है वे पंगा ले गए कोई फायदा है वो कोई फायदा नहीं जी कोई फायदा है नहीं जी तुसी पढ़े लिखे सियाने ब्याहने बंदे हो वो मेरी गल सुनो वो जिन्ना नेपाली ने इंडियानू हेल्प की है ना उन्ना किसी ने नहीं किया वो नेपाली जेरे है ना सारा इंडिया बचाया वो पाकिस्तान नू पाकिस्तान लड़ाई करने आ गए सी तदे कोल ओए गोरखा सैनी जाके खड़ा हो गए नेपाली खुकरी नहीं होंगी तलवार जा लेके खड़ा हो जाते फिर बंदा पास जाता है वो गल समझो तुसी नेपाल नू कदी बुरा ना सोचो ओ मेरी गल सुनो ओ इंडिया तो कहते तुसी इंडिया तो भगा देना कहते भगा ना कहते तुसी सही गल चलो थोड़ी मर्जी है लेकिन सादे बंदे उत्थे नेपाल दे गए जिन्ने नेपाली इत्थे है ना उस तो दुगना नेपाल तो इंडियन बंदे है उनका मकान उठेगा वो जरे भी काम करते ना वो सड़क से बत्तल वही बंदे जाके चुक लेंदे यूपीपी आड़ी दे बत्तल चुक लेंदे सड़क से नाले वो जरा काम भी कर लेंदे वो जाके कबारी उठा लेंदे वो बत्तल बुत्तल चुक लेंदे आ गल माड़ी है तुसी आ काम ना करो जी तुसी सियाने बहने पढ़ रहे बंदे हो गए वो अपने बारे बंदे बारे में कुछ सोचो यार उत्थो भेजोगे नेपाली जिन्ने है ना उनका घर जमीन जगह है जमीन हैगा उत्थे लेकिन जरा इंडियन है ना जरे बेचारे बोतल बोतल उठा के इतने बोतल बोतल उठा के बेच देंगे कबाड़ी कुबड़ी एवं उठा के चक्के तुरी फिर जाते उन्हों का की हाल होगा वो कितने जाएंगे बेचारे वो नेपाली इन्ना कमजोर ना सोचो तुसी
गाले यार समझिया करो यार सरदार, कितना बारी अख्या किन्नी बारी अख्या थन्नू यार, बहुत बारी आख्या सी सरदार ने, इन्नी बारी आख्या मैं तेनों आख्या सी ना, गल क्यों नहीं समझते। ओ जरे जरे इंडिया से भी जिन्हें नेपाली है ना, इन्ने मिनट करके काम कर लेंदे ना, एकदम ईमानदार मिनट करके काम कर लेंदे, वो सारे पंजाब ते है गए, वो आज तक गलत काम उन्होंने नहीं किया, उन्हें का उन्हें विश्वास हैगा। वो जिथे जाओ, वो कैनेडा अमेरिका जिथे मर्जी जाओ, दुबई कतार जिथे जाओ, उन्हें अपना इज्जत रख लेंदे होंगे। तुसी यार फिर वही गल कहते हो नेपाली ओ ए, वो जरे छोटा छोटा ये है ना, पता नहीं कितने कितने बार तुरी फिर जाते कुड़ी हुए जरे पागल पुगल है गए, वो कहता भाई यार नेपाल नू जर से आगे उखाड़ूंगा, आगल मारिए उन्होंने मारी चंगी तरफ समझा दो। वो मेरा दिमाग घूम गया ना, सरदार भी फिर खतरनाक आदमी है, वो जानते नहीं तुसी यार सन्नू यार, उन्होंने समझा दो बंदे नू, मैं थानू फिर भी हाथ जोड़ के कहता जी आ काम ना करो तुसी, आ गल एकदम माड़ी है जी। तुसी यार कमाल हो गया जी यार, फिर तुसी वही काम करी जाते हो यार, कमाल हो गया जी। चलो जी, वो तारा सिंह आया नहीं, किधर गया वो कहता सी, तारा सिंह इत्थे आ गया ओए पाजी, ओए बोल रहे हो क्या सत श्री अकाल, ओ क्या हाल है, ओ यार बड़ी गल बात है, ओ की गल ए पगड़ी पगड़ी किधर गया किथे गया, ओ यार पाजी ट्रैफिक ने यार ड्राइविंग भी करता दिखता है यार बाजार में, तुसी पता है ओ पगड़ी बांधे बड़ा गर्म लग रहा है, मैंने कहा यार हाड़ा जे सरदार तो की करा जे, ओए अगल मड़ी है तुसी इतना करया करो, ओ यार गुदर जान दे मान दे पाजी, ओ जद गुदर जान दे ना ओ तो पगड़ी बांध के आया करो, ओ दसो यार की करा फोन किया, पंगा पै गया कहना सी मोहाली एक फैसते, वह कुड़ी अरे कोई दारू बंद खाए दारू पी के बंदे पंगा लेंदे सी, ओ यार तुसी पता है हिंदुस्तानी किस तरह से बिहेव करते हैं तुसी पता है, पी जाते हैं दारू यार अपने क्या, मैं क्या यार वो दो चार बंदे ने थपड़ मार के हूँ इस, अच्छा जी ताए पगड़ी पगड़ी गया होने लगता है, कोई गल नहीं यार चंगा हो जाएंगे। चलो कोई गल नहीं सिंह जी, ओ सरदार जी यार तुसी यार कमाल हो गया जी, तुसी उत्थे बंदे ने कुछ आख्या नहीं तुहानू, छोड़ो यार लड़के की है जी दारू पी जाते थर्रा मिल जाते हमारे पंजाब में तुसी पता है, ओ यार थर्रा पी जाने बदमाशी के जाते, अच्छा जी सरदार बड़ा चंगे हो जाते दारू पीने वास्ते पागल हो जाने पाजी, तुसी दसो अच्छा चलो जी पाजी ते सुनाओ, हां जी की हाल है मोदी नेपाल इस तरह नेपाल भी देखना चाहिए, ओ यार आपस में भाईचारा के वास्ते, ओ यार मिलवाट की कूटनीति कराओ यार कुछ करो, ऐसे अपना है वो थे अपना है मिल जाओ भाई भाईचारे के वास्ते काम करो यार, मैं भी कहना था सरदार जी वो दना पर आया कि नेपाल तो इंडिया, हाँ जी वो कानू पंगा लेना, मैं भी आके सी मोदी नू, ओ यार कुड़ी है समझते गल समझ नहीं आता उन्होंने, ओ यार मोदी दसो ब्रो अब हुई किया है सारा हिंदुस्तान के पता है, नेपाल और भारत एक ऐसा आपस में मित्र है पर की करा समझते है नहीं, हूँ लग जाओ और मिलो विकास करो और काम करो करते फिरते रहो, इन्ना इन्नी साल से बड़ी नजदीक का मित्र से जी, हूँ बीच में पता नहीं क्या आ गया जी, कोई तरह आ गया बीच में दुश्मनी हो गया जी, आ गल माड़ी है मैंने भी चंगा नहीं लगता जी, ओ यार पाजी दुश्मनी तो कोई है ही नहीं, लेकिन हुंद की है ओ, हिंदुस्तान जो है नेपाल बॉर्डर के हस्तक्षेप करने के वास्ते कोशिश कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं पाजी वो ना हो, मैं भी आई कहता है वो जरा जमीन है ना वो सरदार जी नेपाल पहले छोड़ा जाएगा जी, कुड़ी और भी वो अपना बन खोजा जी, ताए करके मेरी गल सुनो सरदार जी, आसी दोनों दोनों जाके ना कुड़ी है बॉर्डर जाके वो आसी दोनों खराब हो गए, कुड़ी है आसी कह देंगे वे चलो नेपाली कह देंगे अपना जमीन ले जाओ और उ खराब जाते, ओ यार सरदार जी तुसी नेपाली से पंगा मत लो, समझ रहे ना क्या, नेपाली बड़ा बदमाश है खुखरी उखरी लेके काट देने फिर, अच्छा जी तुसी मजाक समझ रहे हो, अच्छा पाजी अच्छी चल रहे हैं दिल्ली जाना है जी, ट्रेन ट्रेन का टाइम हो गया एक घंटा लग जानी है जी, अच्छा जी मैं चलो, ओके जी ओके पाजी, वो आपने क्या रखे हो चंगा जी, अच्छा पाजी ओ कल करो जी तुसी, ओके जी कल गुड नाइट दे आ जाओ जी,
ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਮੋਟੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇਪਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮੜ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਤੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦਰ ਕੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓ ਆਪ ਵੀ ਜੀਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕੇ ਪੀ ਓਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨੇਪਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਵਾਲ ਉਠਾ ਲਓ ਦੀਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਊਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਖਬਰ ਸੁਣਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰਖਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਤੀ ਸੋਚਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮਤੀ ਧਰਮ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਪੀ ਓਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸੂੰਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ